महिला सीएमएच विंग का निरीक्षण करने गए सीएमएस ने स्वीपर पर से वेंटिलेटर ऑक्सीजन ऑपरेट करने के लिए ऑन कैमरा डॉक्टर को निर्देश दिए। कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर ने बताया कि आखिर क्यों हुई 5 मौतें। कोविड ड्यूटी कर रहे डॉक्टर ने सीएमएस स्टाफ पूरा करने की गुहार भी लगाई है। दरअसल देश में लगातार कोरोना से मरने वालों की संख्या में और कोरोना पॉजिटिव मरीजों में इजाफा हो रहा है। सूबे की योगी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सभी जिले में अलर्ट जारी करते हुए ऑक्सीजन दवाइयों की कमी न होने के लिए चेतावनी दी है। लेकिन इटावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिला संयुक्त चिकित्सालय के महिला सीएमसीएच विंग में बने कोविड वार्ड में कल से अब तक 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। ये मौतें दवा ऑक्सीजन के अभाव में नहीं बल्कि कोविड वार्ड में बंद पड़े धूल फाक रहे वेंटिलेटर की वजह से हुई है। कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर अब्दुल कादिर निरीक्षण करने पहुंचे सीएमएस डॉक्टर अशोक कुमार जाटव से गुहार लगाते हुए कहा, स्टाफ की कमी है, वेंटिलेटर नहीं चल रहे हैं, प्लीज स्टाफ दिलवा दीजिए। जिस पर सीएमएस ने ऑन कैमरा डॉक्टर से कहा, स्वीपर को सिखाओ कैसे ऑक्सीजन दी जाती है। ड्यूटी कर रहे डॉक्टर ने वेंटिलेटर ऑपरेटर स्टाफ नर्स स्वीपर न होने की बात कहते हुए मीडिया को बताया, कल से अब तक 5 लोग वेंटिलेटर न मिलने से मर चुके हैं और 3 की हालत बहुत गंभीर है। अगर स्टाफ न मिला तो और भी संख्या बढ़ सकती है। सीएमएस ने बताया, मरने का कारण देर से मरीज हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं जिस कारण ये मौतें हुई। स्टाफ की कमी है, इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात करके 2-3 घंटे में स्टाफ की पूर्ति की जाएगी, उन्होंने ऐसा कहा। इसके साथ ही सीएमएस ने बताया कि मरने का कारण देर से मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं जिसके कारण ये मौतें हो रही हैं। इस समय 38 पेशेंट हैं, कल से आज तक में 5 पेशेंट डेथ हो चुकी है ऑन रिकॉर्ड। 3 लोग बहुत सीरियस हैं और ऐसे 4 लोग हैं अभी जिनको आगे आने वाले 10 से 12 घंटे में उनको जो है वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। कॉज ऑफ डेथ ऑक्सीजन की कमी नहीं है सर, वेंटिलेटर की कमी है। ऑक्सीजन हमारे पास है, सिलेंडर्स भी उपलब्ध हैं और ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर भी उपलब्ध है, ऑक्सीजन हम दे पा रहे हैं। लेकिन इस बीमारी में क्योंकि लंग्स में पानी भर जाता है, एडिमा हो जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ नॉर्मल ऑक्सीजन से प्रेशर से हवा नहीं जा पाती है, उसके लिए प्रेशर से ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए वेंटिलेटर चाहिए जो कि हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। सर वेंटिलेटर उपलब्ध है, उसके लिए एक सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होती है, उसके लिए एनेस्थेसिस डॉक्टर चाहिए, उसके लिए पूरा प्रॉपर आईसीयू सेटअप चाहिए जो आमतौर पर किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं होता है। ये सब जो है टर्शरी लेवल पर मेडिकल कॉलेजेस में है हमारे यहाँ, जिसके कारण अभी ये दिक्कत हो रही है क्योंकि अब सैफा ही पूरी तरह से भर गया है, सारे क्रिटिकल मरीज हमारे पास आ रहे हैं, जिस कारण से जो है ये सिलसिला जो है डेथ का जो है बढ़ गया है।